नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, नाइट कर्फ्यू का आज आखिरी दिन है। कल सुबह 5 बजे जो नाइट कर्फ्यू है वो खुल जाएगा और ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज रविवार का दिन है और शहर के अंदर जहां तक मैं देखकर आया हूं, घूमकर आया हूं, हर तरीके से चहल पहल है। दुकानें लगभग बंद हैं लेकिन रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा यानी कि लगी हुई हैं जगह जगह। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि उन रेहड़ियों को बंद करवाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है, जो लोग नाइट कर्फ्यू का या वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपको निकलते हुए चहल पहल करते हुए दिख जाएंगे, चाहे वो किसी भी काम से आए हुए हैं। लेकिन वीकेंड कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रविवार का दिन है और तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ मज़दूर भी बैठे हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी मज़दूरी के लिए कोई यहाँ पर आए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम को इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे में जो ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ये लोग इस इंतज़ार में हैं कि शायद कोई इन्हें लेने के लिए आ जाए और इनका भी कुछ काम बन जाए। हालांकि आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने मास्क लगाया हुआ, भैया लगा के नहीं रखा, खुद भी बीमार होगा दूसरे को भी करेगा। और ये देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जो दिहाड़ी है वो लग जाए। भैया इंतज़ार कर रहे हो कोई लेने आए? हाँ जी। क्या नाम है? सदानंद। सदानंद। क्या मिस्त्री हो, मजदूर? मिस्त्री हूँ जी। तो आया कोई सुबह से लेने? कोई नहीं आया जी। यहाँ पे आया नहीं कोई? कोई नहीं आया। किसी की दिहाड़ी लगी है अभी तक? अभी तक के एक दो में गया जी, बस एक दो की लगी है। तो आप देख सकते हैं कि गरीब लोग हैं, ताज़ा खाते हैं, ताज़ा कमाते हैं। किसी ने भैया कोई राशन वगैरह कुछ मिला सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला जी। अभी कुछ नहीं मिला जी। दिहाड़ी वगैरह लग रही है? मैं 3 दिन से बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं मिला, नहीं मिल रही। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिहाड़ी है ना तो दिहाड़ी लग पा रही है, घर से लंच इस तरह से लेकर आते हैं और इसी तरह से वापस चले जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मन्ना कुमार। कब से दिहाड़ी नहीं लग रही? 4-5 दिन से बैठे हैं। थोड़ा नीचे करके बताओ। 4-5 दिन से बैठे। 4-5 दिन से दिहाड़ी नहीं लग रही? नहीं। तुम्हारी दिहाड़ी कितने दिन हो गए लगे हुए? सर हमको 4-6 रोज से बैठे हैं। 6 रोज से कोई दिहाड़ी नहीं लगी? कोई दिहाड़ी। तो आप देख सकते हैं कि खाएंगे कहाँ से हम रोटी? सरकार तो कह रही है हम राशन वगैरह कुछ देने की परवाह। हमारे घर में अभी तक तो आया नहीं जी। फिर जी क्या नाम हमारे? मेरा काले नाम है जोगिंदर, नाम असली है मेरा। मेरे 3 लड़के हैं। 5 दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? नहीं जी। 3 बच्चे हैं मेरे पास, वो कहाँ से खाएंगे? कैसे कर रहे हो फिर गुजारा अभी? फिर मम्मी से मांगा लेता हूँ, जो मम्मी की पेंशन आती है विधवा की, तो उससे गुजारा चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है बाज़ार में, लेकिन ऐसे में जो ये गरीब लोग हैं इनकी दिहाड़ी मजदूरी नहीं लग रही। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्शन के काम को जारी रखा जाता है तो कम से कम इन लोगों की दिहाड़ी लग जाएगी। बाबू जी दिहाड़ी वगैरह लग रही है कुछ? नहीं लग रही जी दिहाड़ी थोड़ी। कितने दिन हो गए? हो गए 8-10 दिन हो गए, काम को मैं आई नहीं, क्या करें। 8-10 दिन हो गए? हाँ जी। ऐसे ही बैठे। आपको कितने दिन हो गए? मेरे को 2 हफ्ते हो गए जी, लगातार 16 दिन हो गए। ऐसे ऐसे चले जाते, ऐसे आ जाते। काम नहीं है मार्केट में? नहीं जी। आपको कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो गया जी, अभी तो काम नहीं लगा कुछ। अनिल। तो आप ये देखिए अनिल अपने घर से इसी तरह से रोजाना टिफिन लाता है और ऐसे ही अपना टिफिन लेकर चला जाता है, क्योंकि बाजार में काम नहीं है। काम कैसे हो, क्योंकि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ रखी है। आप मिस्त्री हैं जी? हाँ सर। कितने समय से काम कर रहे हैं? समय जी 84 से काम कर रहे हैं। हाँ जी 84 से काम कर रहे हैं। तो ये कितने टाइम हो गया दिहाड़ी नहीं लगी कोई? दिहाड़ी बहुत 8 दिन हो गया। 8 दिन हो गए। हाँ, कभी पहले भी ऐसा हुआ 8-8, 10-10 दिन, 20-20 दिन दिहाड़ी ना लगे? ऐसा सर जो पहले लॉकडाउन लगा था ना उसमें दिहाड़ी तो बिल्कुल 2 महीना नहीं लगी। सिर्फ लॉकडाउन में ऐसा हुआ, पहले कभी वैसे नहीं हुआ? नहीं और उसको ऐसे नहीं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी दिहाड़ी लगती रहती है, या काफ़ी लोग ऐसे जिनकी दिहाड़ी लगी नहीं बहुत समय से? ज़्यादातर की नहीं लगती थी। आपको कितने दिन हो गए? हमारे को 6 दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी। नहीं लगी ना। तो आप समझ सकते हैं, ये देखिए गरीबी है, गरीबी की मार है। सरकार अपने अपने घरों में बैठी है लेकिन इन लोगों को किसी को भैया कोई राशन का, पानी का, दाल का कुछ इंतज़ाम? कुछ मिला आपको? कुछ नहीं। आपको मिला कुछ? कुछ नहीं मिला। आपको मिला कुछ? नहीं मिलता। आपको कितने दिन हो गए दिहाड़ी नहीं लगी? 10-12 दिन हो गए जी। 10-12 दिन हो गए। हाँ, सुबह से ऐसे कितने बजे तक बैठे रहते हैं आप लोग? 11-12 बजे तक बैठते हैं। मुगल कनाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो ये लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कम से कम हमारी कोई दिहाड़ी लग जाए, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है, कोरोना काल में किसी तरह की कोई दिहाड़ी अभी तक नहीं लगी और इसी वजह से तमाम ये जो लोग हैं इनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं कि आखिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। सरकार के दावे अखबारें और टीवी में बहुत होते हैं लेकिन हकीकत में क्या है, ये भी आप सभी लोगों के सामने। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को
देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों तस्वीर आपको दो दिखाई, पहली तस्वीर ये थी कि शहर के अंदर आज कर्फ्यू का पालन नहीं हो रहा, वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा। उधर देखिए तमाम जो लोग हैं यहाँ से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे, तमाम जो लोग हैं अपने अपने काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले ये लोग हैं, मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जो कह रहे हैं पिछले एक एक हफ्ते से उनकी कोई भी दिहाड़ी नहीं लग पाई क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम बंद हैं। यहाँ पर सरकार को भी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ नियमों के साथ इजाज़त दी जा सकती है तो वो इजाज़त दी जानी चाहिए। भैया काम लोग करवा ही नहीं रहे या क्या कारण है? कोई काम नहीं करवाता है जी, लॉकडाउन के दौर से काम करवा नहीं रहा, काम बंद हो गया। सरकार से कहना चाहोगे भी काम की इजाजत दी जाए? काम की इजाजत दिया जाए, काम के बिना क्या करेंगे, भूखे मरेंगे लोग। कितनी दिहाड़ी लग रही है आजकल, कितना पैसा मिलता है दिहाड़ी का? दिहाड़ी 500 रुपए मिलता है, कभी देने के लिए नहीं चाहता है कोई, 500 भी नहीं देना चाहता, देने नहीं चाहता है। 500 से बैठे हैं बाबू जी, कोई काम नहीं, 500 से बैठे हैं बाबू जी, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं मिल रहा। आप मिस्त्री हैं? मैं बाबू जी लेबर, मजदूर हैं आप? वाटर भरा लेता रहे, कहाँ से देंगे राशन का पैसा, कहाँ से देंगे? तो सब लोग बिहार से आए? बिहार से आए सभी लोग। सब तो आप देख सकते हैं कि सबका एक ही कहना है, एक ही बात सब लोग चाहते हैं कि जो सरकार है वो काम करने की इजाजत, भैया थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ, आजकल कोरोना चल रहा है, पैसे पहले नहीं है, सरकार की तरफ से कितनी मदद है वो तुम्हारे को पता ही, थोड़ा थोड़ा दूर हो जाओ सभी लोग। तो आप देख सकते हो कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में कंस्ट्रक्शन के काम बंद हैं, कंस्ट्रक्शन के काम बंद हैं, इस वजह से ये लोग काम नहीं कर पा रहे। भैया आपको कितने दिन हो गए दिहाड़ी लगाए हुए हैं? आपको कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए, कोई दिहाड़ी नहीं लगी भाऊ जी आपको? नहीं लगी। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी है, गरीबी आखिर कर भी कह सकती है क्योंकि गरीबी तो गरीबी है। और उधर देखिए एक बार, ये देखिए शहर के अंदर किस तरह से चहल पहल हो रही है। दो बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम लोग आपको घूमते हुए दिखाई देंगे, आते जाते हुए दिखाई देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वीकेंड लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। पुरानी सब्जी मंडी में तमाम जो रेहड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं, रेहड़ियाँ लगी हैं तो ग्राहक भी आएंगे, अब रेहड़ी वालों ने भी अपना काम धंधा चलाना है तो वो भी बेचारे आए हुए हैं। लेकिन जो लोग हैं वो किस तरह से देखिए घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये आप सबके सामने, तो कहीं ना कहीं ये देखिए दो लोग बिना मास्क के आपको घूमते हुए ये भी दिखाई देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चहल पहल बहुत ज़्यादा है, पूछने वाला कोई नहीं है। कल पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती थी कैमरों के सामने, लेकिन कैमरों के पीछे की जो तस्वीर है वो आप सभी के सामने। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। एक होमगार्ड यहाँ पर घूमते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब से कवरेज हो रही है तब से फ़ोन पर बात कर रहे हैं क्योंकि अकेला होमगार्ड बेचारा संभालेगा भी तो क्या संभालेगा। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये देखिए एक व्यक्ति कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए यहाँ पर, यानी कि शायद लेबर को लेने के लिए आए, और किस तरह से यहाँ पर भीड़ जुट गई है ये आप सभी के सामने। आप सभी सीधी तस्वीरें इस समय करनाल से देख रहे हैं और ये देखिए बैठ ही गए पीछे एक मजदूर तो, और दो मजदूरों को चलो रोजगार मिल गया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को देखें भी और इसे शेयर भी करें और समझें कि आप लोग घरों में बैठकर यानी कि गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर नियमों की, कर्फ्यू की, लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।